कैसे आप लोग गाइस? हाउ आर हाउ इज एवरीवन डूइंग? गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। अरे थैंक यू सो मच पार्थ, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। द डे वॉज गुड, थैंक यू सो मच मेघा फॉर आस्किंग। अरे बिल्कुल गौरव, एकदम बिल्कुल सब माजामा। चलिए सबका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू द लेट नाइट न्यूज़पेपर एनालिसिस। एंड शैली तो कुछ कुछ मस्त, शैली जो है ना ज़्यादा पढ़ लिया उनने। शैली इज लाइक, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, अब मेरे को कुछ नया पढ़ना है, तो वो हर दिन ट्रैक कर रही है कौन सा डे है, तो आज हैप्पी सॉइल डे है। वाह, हैप्पी, सो हैप्पी सॉइल डे टू एवरी वन। मिट्टी दिवस आप सबको स्वागत का बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा मेघा, आपका आर्टिकल था ना? ओके मेघा ने मेरे को एक आर्टिकल भेजा था, वो मेरे को एक्सप्लेन करना था। कहाँ गए मेघा? अच्छा ओके, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज द मैसेज? चलिए गॉट इट। ओके सो मेघा, आई हैव ओपन्ड इट। पहले कुछ आर्टिकल्स कर लेते हैं एंड देन आई विल डेफिनेटली टेक इट अप, ठीक है ना? चलिए सबका स्वागत है बहुत बहुत। सो लेट नाइट न्यूज पेपर एनालिसिस में आप सबका स्वागत है, वेलकम एवरी वन। एंड यू नो इन विच वी आर कंडक्टिंग द हिंदू पेपर एनालिसिस डेली, राइट? रोज हम लोग हिंदू पेपर एनालिसिस करते हैं एट 11 PM। एंड गाइज बिफोर वी गो अहेड, राइट, तो आप लोग के साथ मैं एक कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स कर दूँ। गाइज कल करना है आप लोग को, कल सुबह 11 बजे कल कॉम्बैट है। मैं चाहता हूं कि हमारी क्लास से ही लोग आईफोन और ये क्या कहते हैं एयरपॉड्स सब पाएं। आई होप दैट ऑल ऑफ यू फ्रॉम आवर क्लास विन इट अप, ठीक है ना? आईफोन सेकेंड लिस्ट पे ना, आईफोन सेकेंड लिस्ट पे है, नहीं आईफोन नहीं है सॉरी, अरे क्या आईपैड था, आईपैड आईपैड आईपैड, ठीक है ना? ओके हाँ यार, अभी करो जल्दी जाके रजिस्टर करिए। कितने लोगों ने रजिस्टर नहीं किया टू अनअकैडमी कॉम्बैट? अन अकेडमी कॉम्बैट में कितने लोगों ने रजिस्टर नहीं किया? नहीं किया आप लोगों ने? अरे यार रुकिए, मैं लिंक शेयर करता हूं, रुकिए मैं लिंक शेयर करता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? अन अकेडमी कॉम्बैट, लेट मी जस्ट शेयर द लिंक। यूपीएससी वाला कॉम्बैट देखना है, यूपीएससी। तो गाइस प्लीज अभी जाइए, इससे पहले हम क्लास शुरू करें ये लिंक को क्लिक कर लीजिए। कैन यू सी द लिंक व्हिच आई हैव पिन्ड ऑन द टॉप? अभी जाके पहले कर लीजिए, इससे पहले आप भूल जाएं। गो टू द लिंक व्हिच आई हैव पिन्ड ऑन द टॉप, क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन एनरोल, पुट इन माय कोड, VCSIR कोड डाल दो, बढ़िया हो जाएगा एकदम। कोड पूछेगा आपसे, मेरा कोड एकदम डाल दीजिए। और जैसे ही आपने कोड डाल दिया है मुझे यहाँ पे आके मैसेज करिए, यस डन सर, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। हम 2 मिनट वेट कर लेंगे, राइट? जल्दी से जाइए, जितने लोग भी इस समय तक नहीं किया है आप लोगों ने रजिस्टर, क्लिक ऑन द लिंक विच आई पिंड ऑन द टॉप, ठीक है? एंड उस लिंक पे क्लिक करते ही जा करके एनरोल कर लीजिए, गो एंड एनरोल योर सेल्फ, ठीक है ना? ओके हाँ, काफ़ी लोगों ने तो ऑलरेडी एनरोल कर रखा होगा, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो गाइज ये जो कम्बैट है इट्स गोइंग टू बी 60 questions, ठीक है? 60 questions जो आप 45 मिनट्स में करेंगे, ठीक है ना? तो 60 questions 45 मिनट्स में आपको करने को मिलेगा। एंड इट्स गोइंग टू बी अ अडैप्टिव टेस्ट, मतलब अडैप्टिव मतलब आपके पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे अगर आप तेजी से करते हो। कोई नहीं, कोड नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, सीधे एंटर कर दीजिए, ठीक है ना? ऑलराइट, सो इट्स गोइंग टू बी अ टेस्ट जिसमें रिलेटिव मार्किंग होगी। जितनी जल्दी मार्क्स आप सही मार्क करोगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। फर्स्ट रैंक को मिलेगा आपका यू नो मैकबुक, सेकेंड प्राइज को मिलेगा आईपैड, थर्ड प्राइज को मिलेगा एयरपॉड्स, एंड देन टॉप 100 रैंकर्स को 1000 रुपीज अमेजन वाउचर, ठीक है ना? चलिए ओके, कितने टेस्ट होंगे? दे गोइंग टू बी 13 सच टेस्ट एज फार एज वॉट आई बीन टोल्ड, 13 टेस्ट होंगे हर ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे। तो हर संडे, ठीक है ना, हर संडे को होगा,
हाँ वाकिफ, क्या सवाल है आपका, जल्दी बताइए, इससे पहले हम स्टार्ट करें हम लोग। कल फर्स्ट टेस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, वही तो कह रहा हूँ, मेगा टुमारो 11 AM, टुमारो, स्पेलिंग बहुत गंदी है लेकिन ठीक है, 11 AM, ठीक ना। चलिए, नहीं सब टेस्ट का कलेक्टिव तो नहीं है, इट्स गोइंग टू बी सेपरेट टेस्ट है तो सेपरेट प्राइजेस। वैक्सीन मे बी रेडी इन अ फ्यू वीक्स इज मोदी जी, कोड है VCSIR, नम्रता, कोड इज VCSIR, सिंपल है, VC वेंकटेश चतुर्वेदी का VC एंड सर, VC सर, ठीक है ना। मोदी जी ने बोल दिया भाई कल आए थे, मित्रों जितने भी हमारे वेंकटेश सर के क्लास में जाने वाले लोग हैं उनके लिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ, वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन आने वाली है, इससे पहले कि सर आपके लिए कोई VC प्रेडिक्ट लेकर के आए मैं पहले से बता देता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो मोदी जी गला साबित हो जाएंगे। तो वैक्सीन मे बी रेडी इन द फ्यू फ्यू वीक्स। सो आज लेकिन एक बड़े ही वो डर डर वाली न्यूज़ निकल के आ गई थी, आपको याद है, हरियाणा के एक मिनिस्टर साहब थे जिन्होंने वैक्सीन ली थी, उनको कोविड पॉजिटिव हो गया, राइट, अनिल विज जी को। सो इनफैक्ट उस पर फिर क्लैरिफिकेशन भी आया था दैट इट्स द सेकेंड बूस्टर राउंड जिसके बाद जा करके ये आता है, बट वही इट्स द सेकेंड बूस्टर राउंड जिसके बाद निकल के आता है। इनफैक्ट अब यार आई डोंट नो बट आई थिंक अगर किसी को वैक्सीन दी गई, आई डोंट नो डॉक्टर बता पाएंगे, बट आई थिंक अगर वैक्सीन दी गई है तो आपके ब्लड स्ट्रीम में तो वो हो गई ना, यू विल हैव दैट दोज एंड यू विल हैव दोज एंटीबॉडीज एंड एवरीथिंग, तो कोई भी टेस्ट करेगा तो पॉजिटिव आना चाहिए। आई डोंट नो, मतलब आई होप कि दैट इज द थिंग विच हैज हैपेंड, बट ये कि हाँ एंड वो भी है, यस अमित ने बिल्कुल सही बोला है कि इट कुड इवन बी प्लसीबो, वो प्लसीबो भी हो सकता है, अगर प्लसीबो है तो वैसे उनको वैक्सीन नहीं दी गई है, तो वी डोंट नो, इन्फॉर्मेशन कांट बी ओपन कि उनको प्लसीबो मिला था कि उनको असली वैक्सीन मिली थी। सो देर आर लॉट ऑफ मोडालिटीज, सो ऐसे बस यू नो न्यूज़ में निकाल देना कि उनको कोविड हो गया, कोविड हो गया, कोविड हो गया, दैट्स दैट मे बी यू नो इन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। नीतीश कोड इज VCSIR, कोई सेम कोड यार, VC सर डाल दीजिए एकदम चलेगा। सो वैक्सीनेशन विल बी गिवन फ्रॉम आफ्टर नॉट फ्रॉम द साइंटिस्ट, सो साइंटिस्ट एक बार जब हामी भर देंगे कि हाँ नाउ इट इज ऑल सेफ फॉर दी वैक्सीनेशन ड्राइव टू हैपन, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि भाई हम वैक्सीनेशन उसके बाद प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट आपको याद होगा कि 19 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के साथ कल मीटिंग की थी, ठीक है ना, ओके, सो प्राइम, हाँ सो मीटिंग की गई थी एंड सब्सिक्वेंटली आपके द पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन लोगों ने मिलकर के ये डिसाइड किया है दैट यू नो द वैक्सीन अगेंस्ट कोविड कुड एक्चुअली बी राइट बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, एंड इस पे सवाल भी पूछे गए तो उसमें मोदी जी ने कुछ लोग के जवाब भी दिए हैं, एंड एक्सपर्ट्स हैव असेस्ड दैट इट वुडेंट बी टू लॉन्ग बिफोर अ वैक्सीन अगेंस्ट द कोरोना इज अवेलेबल एंड एंड इट कुड बी जस्ट बी मैटर ऑफ वीक्स। हाँ, एक्चुअली होता है ना कि आप इन वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म लोगों में जब भर जाता है तो फिर हाफ इन्फॉर्मेशन से फिर लोग खुश होने लग जाते हैं कि अरे खराब हो गया, ये मरेंगे सब मरेंगे, ये सेडिस्टिक प्लेजर निकालो। चलिए ओके राइट, सो द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ लॉट होपफुल एंड लेट्स होप दैट हिज होप इज करेक्ट, लेट अस होप दैट आर साइंटिस्ट विन, राइट, ओके, देर आर टाइम्स वेन आई थिंक ऑल ऑफ अस द होल ह्यूमैनिटी शुड बी बिहाइंड आर साइंटिस्ट, दिस इज वन ऑफ दोज टाइम्स बिकॉज द यू नो लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल डिपेंड्स अपॉन देम, राइट। नेक्स्ट, RBI होल्ड्स रेट्स, सीज फाइनेंशियल ईयर GDP कॉन्ट्रैक्शन एट 7.5%, राइट। सो बात यही है कि -23% था, 23.9%, उसके बाद हुआ -10% के करीब जो भी है, सो नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट आपका ग्रोथ क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर फोर्थ में आ सकती है, बट ग्रोथ जो होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप पुराने पाप धुल पाओगे, सो स्टिल द कॉन्ट्रैक्शन ओवरऑल ऑफ द ईयर कुड बी अराउंड -7.75%, सो ग्रोथ कुड बी -7.75%। इन दिस कंटेक्स्ट RBI हैज हेल्ड इट्स रेट्स, व्हाट डज दिस मीन, RBI होल्ड्स रेट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डज होल्डिंग रेट्स मीन, बेसिकली वे टॉकिंग अबाउट रेपो रेट, रेपो रेट ही बात हो रही है, रेपो रेट पे कोई बदलाव नहीं है, ठीक है ना, सेम रेपो रेट इज देयर, ठीक है ना। सो व्हाट इज रेपो रेट,
कितने लोग हैं जिनको नहीं पता रेपो रेट क्या होता है? आई थिंक यार मोस्ट ऑफ यू माइट नो इट। ठीक है, सिंपल सी बात है, तेजी से बता देता हूं। उस रेट पे, जिस रेट पे आरबीआई से लोन लेता है बैंक, द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज सिक्योरिटी, राइट, कोलैटरली तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को दिया जाता है बाय द बैंक, एंड दैट रेट इज नोन एज योर रेपो रेट। ठीक है ना? सो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इज बेसिकली अ बॉडी ऑफ सिक्स मेंबर्स, थ्री डिराइव फ्रॉम दी आरबीआई, थ्री डिराइव फ्रॉम दी अपॉइंटेड बाई दी गवर्नमेंट। सो इट लेफ्ट द बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट अनचेंज एंड रिटेन एन अकोमोडेटिव स्टैंड। ठीक है, और उन्होंने उन्होंने बोला कि भाई इन्फ्लेशन चाहे इस समय हल्का हल्का बढ़ भी जाए तो हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे। वाई वाई आर वी नेग्लेक्टिंग द इन्फ्लेशन? अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट क्यों करने की बात कर रहे हैं? बताइए। ताकि ग्रोथ हो सके, सिंपल सी बात है। या देखो, इन्फ्लेशन आता है जब ग्रोथ की बात हो रही होती है, व्हेन वी ट्राई टू ग्रो, इन्फ्लेशन इज समथिंग विच मे हैपन। सो दे फोर समटाइम्स अ लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ हमको सस्टेन रहना पड़ता है सो दैट ग्रोथ हो सके। दो 6% से ऊपर इन्फ्लेशन हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं, बट एट द प्रेजेंट सिनेरियो जब ग्रोथ वैसे नेगेटिव हो रखी है तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हमको सस्टेन करना पड़ सकता है। ठीक है ना? सो एम पी सी हैज केप्ट द आर बी एस की लेंडिंग रेट द रेपो रेट स्टडी एट 4%, 4% पर रख दिया है। ठीक है, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बताऊँ मैं आपको, मुझे याद है जब मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू की थी तो रेपो रेट यूज टू बी समवेयर अराउंड 6.75, 6.5, उससे देखिए कितना कम हो गया, इट्स इट हैज कम डाउन सिंस द लास्ट 5 ईयर्स सब्सटैंशियली। हाँ, रंजीत ने सवाल पूछा है, वॉट इज एम पी सी? एम पी सी रंजीत, आपको बताया मैंने, इट्स द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी विच इज अ कमिटी ऑफ सिक्स मेंबर्स, थ्री मेंबर्स फ्रॉम द आर बी आई, थ्री मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, हु बेसिकली क्यूमुलेटिवली कम एंड डिसाइड कि भैया रेपो रेट बढ़ाना है कि घटाना है कि सेम रखना है। क्लियर होगी बात रंजीत? तो उसमें उसके चेयरमैन होते हैं आर बी आई गवर्नर। सो आर बी आई गवर्नर एज द चेयर, दी सिक्स मेंबर कमिटी डिसाइड अपॉन दी पॉलिसी रेट। सत्यम ने बड़ा सही बोला है सर, हमारे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो स्टॉक मार्केट हो गया, कभी 500 के ऊपर चला जाता है, कभी 500 5000 के नीचे चला जाता है, बहुत फ्लक्चुएट करते हैं मेंबर्स, आते जाते रहते हैं लोग। हाँ, लेस रेपो रेट मतलब मोर पीपल विल बी लोन्स वुड बी सस्ता। देखिए सिंपल सी फंडा होता है, इफ रेपो रेट इज रेपो अगर कम है, इट विल बी चीपर चीपर फॉर बैंक्स टू गिव लोन्स, एंड इफ इट विल बी चीपर फॉर पीपल टू टेक लोन्स, तो लोन ज्यादा लेना चाहेंगे लोग। तो इस समय रेपो रेट को नीचे इसलिए रखा गया, बढ़ा इसलिए नहीं रहे, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोन लिया जा सके। ठीक है ना? क्लियर? ठीक है ना, ये है आपका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ, सो इंडिया ने तो ये बात करी ही है दैट रिमार्क्स बाय कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अनएक्सेप्टेबल। सो जस्टिन ट्रूडो जो है, उन्होंने आपके जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट, उसके संदर्भ में बोला है, एंड इन दैट कंटेक्स्ट द कमेंट्स फ्रॉम द लीडरशिप एंड अदर मेंबर्स ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग द ऑनगोइंग फार्मर्स एजिटेशन इज अनएक्सेप्टेबल इंटरफेरेंस इन इंडियाज अफेयर्स एज मैंशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, एंड वॉट डू यू नो वॉट इज डिमार्श? ये टर्म बहुत न्यूज में आता है, डिमार्श। अरे ग्रेट साइकाट, वॉट इज डिमार्श? कोई बात नहीं तनिष्ठा, इट्स ओके। वॉट इज डिमार्श, एनी आइडिया? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिमार्श का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेप, पॉलिटिकल स्टेप या पॉलिटिकल इनिशिएटिव, पॉलिटिकल कोई बात करना। ठीक है ना? दैट इज डिमार्श। सो मिनिस्ट्री ने हैंड ओवर किया पॉलिटिकल मैसेज इन दिस रिगार्ड, सो दिस वॉज अ पॉलिटिकल मैसेज कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। वही है, सिंपल सी बात है, कैनेडा इज अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ यू नो पीपल फ्रॉम पंजाब विजिट, एंड देयरफॉर दे हैव अ क्लोज एफिनिटी विद द पंजाबी पीपल, एंड देयरफॉर दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट माइट हैव बीन मेड, राइट?
सो यही है, दिस इज व्हाट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज बेसिकली मेंशन्ड। रिमार्क बेसिकली यही था कि यू नो उस टाइप से कुछ था कि फार्मर्स की बात सुनिए एंड फार्मर की डिमांड्स फुलफिल करिए, इस टाइप का सम स्टेटमेंट ऑफ दैट सॉर्ट। वी सपोर्ट द फार्मर्स ऑफ इंडिया इन देयर प्रोटेस्ट, इस टाइप से। अगला है, इंटरफेथ मैरिज विल सी डीएम्स नॉट सेज ग्रूम। ये क्यों जरूरत है भैया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्या उनको परमिशन लेनी है? अच्छा वंशिका, राइट। हाँ, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दी द लेटेस्ट आपका जो आपका यूपी का ऑर्डिनेंस था, राइट। सो यूपी का जो ऑर्डिनेंस है, सी यू कैन से इट लव जिहाद लॉ, बट अगर इफ यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुडेंट। अगर आप मीडिया वाले पर्सन हो तो यू कैन कॉल इट वॉट एवर यू वॉन्ट, बट एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि भाई मुस्लिम वाले लोग ही करते हैं ऐसा झांसा, ठीक है ना। सो देयरफॉर देयर इज नो रिलीजियस डिफरेंस व्हिच हैज बीन पुट इन देयर, राइट। नंदलेस द थिंग इज इंटरफेथ कन्वर्जन, इंटर रिलीजन कन्वर्जन वाला जो लॉ है, राइट, द यूपी ऑर्डिनेंस, इनफैक्ट लॉ, हाँ ऑर्डिनेंस की तरह से जो पास किया है उसके कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट सेज दैट एनी काइंड ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस आर अलाउड, राइट, बट उसके लिए आपको दो दो महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। सो अब ये कोई पर्टिकुलर हिंदू मैन है और एक सॉरी मुस्लिम मैन और एक हिंदू वुमेन है जो आपकी जिनकी वेडिंग को स्टॉप किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू ऑर्डिनेंस, उन्होंने बोला है कि वी न्यू क्लियरली अबाउट द न्यू लॉ, वी वुड हैव गॉन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सॉट परमिशन फर्स्ट। उन्होंने कहा कि अब हम जा करके ये कर लेंगे, एंड बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेम चेंज। सो कबीर सिंह है हमारे, ये कबीर सिंह जो हैं उन्होंने उनके इस कंटेक्स्ट में ये आपका आया है, राइट, दैट परमिशन के बिना उन्होंने, क्योंकि ये वेडिंग कर दी है। अब देखिए इसमें बात वही होगी, इट मस्ट बी अ सिंपल सी फंडा, इट कुड हैव एक्चुअली बीन दैट, राइट, दैट आइदर उनको लॉ के बारे में पता नहीं हो सकता है, या फिर यार शादी तो पहले फिक्स हो चुकी होती है ना, तो लॉ होने से पहले शादी फिक्स हो गई होगी, तो जाके उनने शादी करने बैठ गए होंगे, फिर पता चला कि भाई पुलिस आ गई, आंटी पुलिस बुला देंगी, राइट। सो पार्टी ऑल नाइट, लेकिन हो नहीं पाया, राइट। सो ये वी डिड नॉट नो अबाउट द न्यू लॉ, वी विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, मिस्टर कबीर सेड, राइट, विद द कलर ऑफ मेहंदी स्टिल फ्रेश ऑन हिज हैंड्स। ये लिखना जरूरी था, हाथ में उनकी मेहंदी थी, रोक दी गई उनकी शादी, जानिए कैसे किया योगी राज में ये ऐसा बड़ा सनसनीखेज खुलासा, कैसे हुआ ये लॉ पास। इस टाइप से आपके न्यूज वाले निकाल देते हैं, ड्रामेटिक टच, शादी की बर्बादी। हाँ ये सही था, अरे नाइस वाकिफ, ऐसे कैसे करी है शादी की बर्बादी, अरे नाइस यार। चलिए अबे, भागजान वेल अबैंडन्ड, ठीक है। सो भागजान वेल क्या है भाई, व्हाट इज भागजान वेल, भागजान क्या है यार, ये तो तिनसुकिया, अरे बिल्कुल ठीक है ना। सो ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज अबैंडन्ड इट्स ब्लो आउट वेल इन योर ईस्टर्न असम भागजान एरिया, राइट। एंड ये भागजान जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है, किस बायोस्फीयर रिजर्व के पास में है, इट इज नियर विच बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज नियर योर वो डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइ बायोस्फीयर रिजर्व के पास है ना, डिब्रू साइखोवा के पास है इनफैक्ट। मानस इज अ लिटिल अवे, मानस तो इधर आ गया, वेस्टर्न साइड में आ गया, राइट। अच्छा शैली ने एक सवाल पूछा है, मैं आता हूँ उस पर शैली, ओके। सो इज दिस क्लियर, तो ये देखो लिखा हुआ है क्लोज टू द डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इन द एडजॉइनिंग तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। अच्छा शैली ने सवाल पूछा है, सर बैंक रेट में और रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है? बताइए बताइए, दो दोनों सेम चीज हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, दोनों सेम चीज है इस मामले में कि इट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू द बैंक, सिंपल सी बात है, आरबीआई लेंड करता है बैंक को, बट रेपो रेट इज
सो दोनों सेम है इस मामले में, प्लीज इसको ध्यान से देखिए। आरबीआई दोनों केस में देता है बैंक को, बट बैंक रेट में लॉन्ग टर्म है, रेपो रेट इज शॉर्ट टर्म, बैंक रेट इज नो कोलैटरल, रेपो रेट इज विद कोलैटरल। इज दैट क्लियर? दिस इज द डिफरेंस। समझ में आ गया? क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, नो कोलैटरल विद कोलैटरल। सो अब लॉजिकली बताइए दैट अगर अगर हम लोग कोलैटरल नहीं ले रहे तो रिस्क ज्यादा है कि रिस्क कम है? आप बताओ। आदित्य के असर्शन पर भी हम आते हैं, रिस्क ज्यादा है भाई, कोलैटरल ही नहीं ले रहे हो तो रिस्क ज्यादा है। तो रिस्क ज्यादा है तो रेट ज्यादा होना चाहिए कि रेट कम होना चाहिए? आरबीआई रेट ज्यादा चार्ज करेगा कि रेट कम चार्ज करेगा? ज्यादा चार्ज करेगा। देयरफॉर बैंक रेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन रेपो रेट, बैंक रेट ऑलवेज मोर देन द रेपो रेट। क्रिस्टल क्लियर? चलिए, भागजान हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रेमडेसिविर इंजेक्शन फिक्स्ड एट 2360 इन महाराष्ट्र। अब ये सब तो छोड़िए, मेन थिंग इज योर, हाँ अरे थैंक यू मेघा, योर व्हाट इज योर रेमडेसिविर, कौन से वीर हैं ये? इन्फ्लुएंजा, ये आपका इन्फ्लुएंजा के लिए होता है एंड इबोला के लिए, फ्लू एंड योर इन्फ्लुएंजा एंड इबोला के लिए दिस वॉज देयर रेमडेसिविर, ठीक है ना? सो प्राइस ऑफ रेमडेसिविर विच इज नाउ यूज समटाइम्स फॉर कोविड, सो इंजेक्शन इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इन द स्टेट ऑन हॉस्पिटल विद प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल्सो ट्रीटिंग इट द कोविड पेशेंट विद दैट, सो दैट इज वाई इट इज बिकम मच इन न्यूज दीज डेज, ठीक है ना? यार अब मेघा ने मुझसे आर्टिकल बोला था देखने को, तो लेट मी जस्ट रीड दैट आर्टिकल। सो ये आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस का था मेघा, यू हैड शेयर्ड एन आर्टिकल विद मी। सो द आर्टिकल वॉज दैट गर्ल्स इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट फाइंड देयर नेम्स ऑन देयर हाउसेज, इट इज अ क्लेम वर्थ नर्चरिंग। देखिए द फंडा वॉज मेघा, द थिंग इज दैट आपके प्रॉब्लम क्या होता है पेट्रियार्कल सेटअप में, वॉट इज द प्रॉब्लम ऑफ ओनरशिप? पेट्रियार्कल सेटअप में ओनरशिप की प्रॉब्लम क्या होती है? द प्रॉब्लम इज दैट वुमेन को राइट्स नहीं मिलते हैं, सिंपल सी बात है। इट वुमेन डोंट गेट योर लैंड राइट्स, वुमेन डोंट गेट प्रॉपर्टी राइट्स, राइट? दो लीगली दे शुड बट दे डोंट, या तो पेरेंट्स ही नहीं देना चाहते हैं, राइट? या फिर ऐसा वुमेन को ऐसा कंडीशन कर दिया जाता है कि वो पूछते भी नहीं है, ठीक है ना? सो बेसिकली नाउ व्हाट उत्तराखंड का ये डिस्ट्रिक्ट कर रहा है इज बेसिकली दैट दे आर पुटिंग द नेम प्लेट्स जिसमें डॉटर के नाम भी रखे जाए, सो दैट इट इज यू नो उनके दिमाग में भी ये रिट्रेट होता रहे कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरे घर में नाम है, राइट? पेरेंट्स के दिमाग में भी रहे हाँ ये मेरी बेटी का घर है, मेरी बेटी का घर है, मेरे बेटे का घर है, इसमें उसको भी शेयर जाएगा, और समाज के भी दिमाग में रहे कि हाँ बेटी के घर में, बेटी को घर मिलना चाहिए। दिस इज द फंडा, इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात मेगा? सो दैट इज वाई इट इज सीन एज समथिंग विच विल हेल्प इन योर वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन राइट्स के लिए। ओके, सो ये आपका ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट था, एक मिनट बताता हूँ, पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, पौरी गढ़वाल है ना, पौरी गढ़वाल कोई जगह का नाम है। गॉट इट मेगा? चलो बढ़िया। अब एडिटोरियल एक ही, आज बहुत कम आर्टिकल्स हैं यार, खत्म हो जाएगा जल्दी। एक ही एडिटोरियल है, ट्रस्ट डेफिसिट, अपार्ट फ्रॉम फ्रेश अमेंडमेंट्स द सेंटर मस्ट कंसिडर लीगल गारंटी फॉर MSP। ये आर्टिकल तब भी ठीक है यार, आज आप लोग ने मेरा MSP के ऊपर वीडियो देखा, डिड यू गाइस सी माय वीडियो ऑन MSP? यस, क्लियर होगी बात, क्योंकि ये बहुत बार सुनने में आ रहा होगा आपको, A2 प्लस FL क्या होता है, C2 क्या होता है ना, ये चीज हमने एक्सप्लेन की थी। अच्छा नहीं देखा आप लोग ने, सो क्विकली मैं एक रिवाइज कर दूं, नहीं तो आप वीडियो जाकर के देख लेना आराम से। आई विल क्विकली रिवाइज व्हाट दिस इज, बेसिकली सिंपल सा फंडा है दैट एक है MS स्वामीनाथन रिपोर्ट, एक है MS स्वामीनाथन रिपोर्ट, ये तो सुना होगा आपने, 2006 की रिपोर्ट थी। इसने बोला था कि भाई जितना खर्चा होता है फार्मर्स का उसका डेढ़ गुना MSP तो मिनिमम होना चाहिए, ये तो सुना होगा आपने। एंड हैज द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड दिस? यस, गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड दैट भाई खर्चा जो होगा उसका 50% ज्यादा या फिर 1.5 टाइम्स हम कर देंगे। बट अब जो खर्चा है जितना फार्मर का होता है उसको कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं,
एक फॉर्मूला होता है ए टू प्लस एफ एल जो इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें सारे टाइप के खर्चे ले लिए जाते हैं, मैन्योर का खर्चा, सीड का खर्चा, दैट ये ए टू है, दिस इज ए टू, मैन्योर, सीड, इरिगेशन, लेबर, समझ में आ गई बात। जबकि एफ एल इज बेसिकली फैमिली लेबर। अब आप बताओ यार, फैमिली लेबर क्या पैसा देते हो आप फैमिली को? लेबर नहीं देते हो, आपका बेटा काम कर रहा है, आपकी बेटी काम कर रही है, आपकी वाइफ काम कर रही है, आप फार्मर हो, आप उनको पैसा नहीं देते हो। तो एक एस्टिमेट क्या आता है कि भाई ये इतना खर्चा होता अगर फैमिली को पैसे दिए जाते तो। सो इट इज सीन, सो इसको ऐड किया जाता है ए टू प्लस एफ एल, सो दिस बिकम्स द इनपुट कॉस्ट। एग्जैक्टली रवि, इसे कहते हैं कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट कॉस्ट, ठीक है ना। अब क्या है यार, ये कोई वो नहीं है, मतलब वो ए और एफ ए वगैरह, मतलब इट्स जस्ट एन फॉर्मूला विच एम एस स्वामीनाथन इन हिज रिपोर्ट हैज मेंशन। तो वही एक्रोनिम जो उनने फॉर्मूले में लिखे थे वो हमने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया है, ठीक है ना। कोई उसका वो नहीं है, देर इज नथिंग लाइक यू नो मीनिंग ऑफ ए टू। कोई ए वन होता होगा उनकी पूरी कैलकुलेशन में, जो उसके बाद उनने ए टू पे आए होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको उस पर। नाउ आता है सी टू। सी टू बेसिकली जो कैलकुलेशन होता है उसमें बोलते हैं कि भाई ये जो ए टू प्लस एफ एल है, ए टू प्लस एफ एल है, उसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, दैट इज कि लैंड का जो रेंट होता, लैंड रेंट, समझ में आ रहा है। विच सरकार हैज सेड दैट नहीं, हम लैंड रेंट को यहाँ पे नहीं करेंगे, मतलब इन द सेंस कि जो फार्मर के पास लैंड होती है उस पर अगर वो रेंट चढ़ाता तो कितना पैसा मिल सकता था उसको, उसको ऐड कर दीजिए। अब ये वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, करोड़ों में पैसा हो जाएगा, फिर कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो भाई उतनी एमएसपी अगर होने लग जाएगी तो भाई नेक्स्ट लेवल ही पहुंच जाएगा। सो दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट सेड दैट नहीं, हम उतना ज़्यादा एमएसपी नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, राइट। ओके, एंड देयरफॉर दी ए टू प्लस एफ एल इज द ओनली कॉस्ट विच हैज़ बीन यूटिलाइज्ड। एंड अभी के जो आपके फार्मर प्रोटेस्ट है, देव अगेन रेज द प्रोटेस्ट कि एम एस स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशन थी उसको इम्प्लीमेंट करें। यस, सी टू रिपोर्ट में थी, एम एस स्वामीनाथन बेसिकली सजेस्टेड दैट सी टू शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड, ठीक है ना। सो मेगा ये ऐप पर ही होगा, आप अगर लैपटॉप पे है तो नहीं चलेगा शायद, नहीं शायद लैपटॉप पे भी चल रहा है वैसे तो, ऐप पर भी है, लैपटॉप पे भी है, राइट, यू कैन यूज बोथ द प्लेसेस। सो ये अब देखिए, अब आते हैं इस आर्टिकल के ऊपर, दिस वॉज द होल थिंग विच वी हैड टू डिस्कस। हाँ, द फार्मर्स वॉन्ट सी टू ऑल्सो, ठीक है ना। सो अपार्ट फ्रॉम द फ्रेश अमेंडमेंट, सेंटर मस्ट कंसिडर लीगल गारंटी फॉर एमएसपी। नाउ वॉट दे आर ट्राइंग टू से इज दैट एमएसपी इस समय कैसा होता है, हाउ इज एमएसपी यू नो गेटिंग दी सैंक्शन, इज देयर अ लॉ? देयर इज नो लॉ। सो बेसिकली वॉट दे आर ट्राइंग टू से इज दैट अगर आपको इंश्योर करना है दैट पीपल आर अश्योर्ड दैट एमएसपी रहेगा, तो इम्प्लीमेंट अ लॉ, ठीक है ना, लॉ इम्प्लीमेंट करें आप। द फियर दैट द न्यू रिजीम विल डिसमेंटल द सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट अंडर द एमएसपी एंड लीव फार्मर्स एट द मर्सी ऑफ कॉपरेशन इज रियल एज पर दिस आर्टिकल। सो रिस्पॉन्डिंग टू कंसर्न, सेंटर हैज सजेस्टेड वेरियस प्रिवेंटिव लैंड एलिनेशन सेफ गार्ड्स ऑन इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, स्ट्रेंथनिंग द स्टेट रन मंडी सिस्टम, इंश्योरिंग इक्वल फुटिंग विद द प्राइवेट बायर थ्रू इक्वलाइजिंग टैक्सेज, अलाउंग ग्रीवेंस रिड्रेसल इन योर सिविल कोर्ट रादर देन इन दी एसडीएम कोर्ट, एंड इंश्योरिंग प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स। तो ये सब स्टेप्स हैं जो सेंटर ने सजेस्ट किए हैं, बट हाउ एवर एज पर दिस आर्टिकल दे शुड ऑफर अ लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, इज दिस क्लियर, ठीक है ना। ठीक है ना, सो ये है आपका। सेंटर हैज बेसिकली रिस्पॉन्डेड विद दिस, अभी लीगल उसके ऊपर अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, नो डिसीजन ऑन द लीगल एस्पेक्ट, या ले भी आएंगे उससे कुछ। देखो सरकार को एमएसपी को रखना ही है तो लीगल लॉ के लाकर भी रख लेंगे, तो आई डोंट थिंक दिस इज मतलब वही है बस, ये प्रोटेस्ट करने के कारण है क्योंकि ले आएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है उसको लाने में, दे विल ब्रिंग द लॉ। अगर हटाना ही होगा तो भाई लॉ भी तो हट सकता है, कोई लॉ कोई पत्थर की लकीर थोड़ी ना होती है। इफ एनी गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू रिमूव एनी थिंग वो तो हटा ही सकती है कभी भी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट्स मूट पॉइंट, बट नन द लेस लीगल जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है, तो वो डिमांड की जा रही है। माई एस्टिमेट इज दैट
पॉसिबली ऑर्डिनेंस उसका भी ले आएंगे, लो रख लो ऑर्डिनेंस रख लो, दिस इज माई एस्टिमेट, लेट्स सी, ठीक है ना। इसमें और कुछ था रेलिवेंट? वही बात हो रही है कि भाई जो गवर्नमेंट है उसको ईगो नहीं रखना चाहिए, जो फार्मर्स बोल रहे हैं उनकी बात सुन करके जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो ले आए, सो दैट दे कैन यू नो गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर योर रिफॉर्म्स। दिस इज व्हाट इज द आइडिया इज। नेक्स्ट इज टू इंजर्ड इन ग्रेनेड ब्लास्ट इन कसरगोड। यार ये सब कसरगोड लोकेशन मेरे को एकदम से दिमाग में आई, याद है हमने दो तीन बार पढ़ी कसरगोड, याद है गेल की पाइपलाइन थी, वी स्टडीड अबाउट दैट, केरला वाली, ये वही केरला वाला ही है ना। हाँ वही केरला वाली है। ब्लू फ्लैग वाले का नाम अलग था, उसका नाम क्या था किसी को याद है? वो उसका नाम अलग था, कसर उसका नाम कुछ और था, ब्लू फ्लैग कसर समथिंग एल्स था, रुको लेट मी चेक, ब्लू फ्लैग, हाँ कसर कोड था ना, कसर कसर कोड, हाँ कसर कोड था वो, दैट वॉज कर्नाटका है ना, दैट वॉज कर्नाटका, इनमें कंफ्यूज मत होना ठीक है ना। एक है कसर कोड, दिस इज कर्नाटका, ठीक है ना, अब सुन लीजिए इसको ढंग से, कसर कोड है एक, ये कर्नाटका में, एक है कसर गोड। हाँ मैं बोलने वाला था आदित्य, बिल्कुल आपने भी बात मान ली, दिस इज इन केरला। ये कसर कोड जो है, कसर कोड जो है इसको मिला है ब्लू ब्लू फ्लैग जो होता है ना, क्या कहते हैं टैग, टैग ब्लू फ्लैग टैग मिला इस बीच को, एंड कसर गोड है जो गेल पाइपलाइन बनाई गई है केरला में, राइट, एंड ये फिर से न्यूज में आ गया कसर कोड, कसर गोड, ठीक है ना। सो देयरफॉर हाँ गंजम तो नेक्स्ट लेवल है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं, बट या दिस इज अ होते ना एस्पायरिंग गंजम डिस्ट्रिक्ट, एस्पायरिंग गंजम डिस्ट्रिक्ट है ये, ऑन इट्स वे, तीन दो तीन बार आ चुका है कसरगोड। नहीं वाकिफ यार आपको याद नहीं गंजम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, जो हम लोग न्यूज में पिछले एक साल में शायद 40-50 बार सुन चुके हैं, हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज में आ जाता है, तो वही बोल रहे हैं कि कसरगोड दो तीन बार आ गया है, सो दिस इज समथिंग विच एस्पायर्स टू बी लाइक गंजम फॉर अस कमिंग फ्रीक्वेंटली इन न्यूज, उस सेंस में बोल रहा हूँ। चलिए, वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया एज अ पार्टनर सेज मोदी जी। मोदी जी जो हैं वो चाहते हैं कि यू नो इंडिया पार्टनर बन जाए सबका, राइट, सब सब सबके दोस्त बने हम। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वाइल एड्रेसिंग द इंटरनेशनल ग्लोबल पैन IIT कॉन्क्लेव, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्क्लेव होता है, हमारे IIT के फ्रेटर्निटी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व होती है, राइट, सो दे इनवाइटेड, इट वॉज इन्वाइटेड यू नो द इनवाइट वॉज गिवन टू द वेरियस, मुझे नहीं पता, ठीक है नहीं पूछा आपसे मैंने। सो पैन IIT कॉन्क्लेव में आपके 75th इंडिपेंडेंस जो है, एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको कमोबरेट करने के लिए यू नो क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं उसके लिए कराया गया था। नहीं नहीं यार मैं आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इट सोहेल, हाँ एलेक्सा 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 को बीच में कुछ होता रहता है। सो यही बात है कि इन द टेस्टिंग टाइम्स ऑफ COVID-19 इंडिया हैज गॉट रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट, मच ऑफ इट फ्रॉम द टेक सेक्टर, एंड देयरफॉर काफ़ी ज़्यादा रोल है आपके IIT एलुमनाई फ्रेटर्निटी का इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग योर यू नो न्यू कंपनीज हेयर इन इंडिया, सो दैट इज़ द आइडिया। इसलिए यू नो ये आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ अटेंडेड दिस पैन IIT कॉन्क्लेव। हाँ काफ़ी पुरानी है, बिल्कुल नवी, इट्स एन ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज योर सेफ्टी ऑफ कोविड वैक्सीन पैरामाउंट इज DGCI, DCGI सर, DGCI अलग है, DCGI है ये, ओके ओके ठीक है। सो सेफ्टी एंड द एफिशिएंसी ऑफ द कोविड वैक्सीन इज पैरामाउंट विद द रेगुलेटरी पाथवे फॉर वैक्सीन सीइंग एन एक्सेलरेटेड रोलिंग रिव्यू, ठीक है। सो बात वही हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा इस समय चल रहे हैं आपके क्लिनिकल ट्रायल्स, ओके, एंड रोलिंग रिव्यूज चल रहे हैं, एंड
इवेंट मॉनिटरिंग चल रही है. सो विद ऑल ऑफ दैट गोइंग ऑन इन टू द पिक्चर, जो वैक्सीन एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि आपके जो भी आगे के रिक्वायरमेंट्स होंगे ओके उसको भी देखा जा रहा है, एंड इस समय का जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं उसको भी मद्देनज़र रखा जा रहा है. बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट लो टेम्परेचर चाहिए होंगे इन वैक्सीन्स के लिए. आई होप यू गाइज नो अबाउट दिस. दीज वैक्सीन्स रिक्वायर लो टेम्परेचर फॉर दी यू नो फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन. सो देयरफॉर कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स वगैरह काफ़ी ज़रूरत होंगे. -70 degrees है ना, -70 degrees एस जो अभी तक के बने हैं. सो विच इज़ क्वाइट लो, काफ़ी लो है राइट, एंड इट्स गोना बी अ बिग चैलेंज टू कीप इट एट -70 degrees. या देखिए नवी, द थिंग इज दैट जितने मास स्केल पे प्रोडक्शन करनी है वैक्सीन की वो इंडिया में ही हो सकती है. चाइना में लोगों को भरोसा नहीं है, चाइना में लोग वैक्सीन बनवाएंगे नहीं, ठीक है ना. सो इसलिए इंडिया इज द ओनली कंट्री विच कैन सी दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन. सो देयरफॉर दूसरी कंट्रीज को स्टोरेज में इंडिया को हेल्प करनी पड़ेगी. इंडिया इन्वेस्टमेंट आएगा, मैं बता रहा हूँ ना, स्टोरेज यूनिट्स. एंड आई विल टेल यू दिस कुड बी रेवोल्यूशनरी फॉर अनदर सेक्टर. गेस करिए कौन सा सेक्टर है जिसके लिए हमारा जो एक्सरसाइज होगा ऑफ वैक्सीनेशन विल बिकम वेरी वेरी यूजफुल इन द लॉन्ग रन. फार्मा नहीं, फार्मा इतना नहीं, फार्मा तो चलो ठीक है. कोल्ड स्टोरेजेस, एग्रीकल्चर, बिल्कुल. या सोचिए ना, इमेजिन करो कि एकदम से ये सेक्टर में जैसे पीपीज बने, मास्क बने, वैसे एकदम से कोल्ड स्टोरेज बनाने शुरू कर दे, क्योंकि इतने मास्क इतने लेवल पे आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए और आप गली गली में बनवा रहे हो कोल्ड स्टोरेज. गली गली नहीं, मतलब अलग अलग तालुकाज में या जो भी है विलेजेस में, राइट. एंड देयरफॉर योर एग्रीकल्चर विल बेनिफिट. अरे उसके लिए ना कोल्ड स्टोरेज चाहिए होते ना, एग्रीकल्चर पेरिशेबल्स के लिए, टमाटर, अनियन, अलग अलग हैं भाई, सड़ जाती हैं चीज़ें, उनको कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स में रखना पड़ता है. दिक्कत क्या होती है, वो सड़ जाते हैं, अब वो सड़ेंगे नहीं. सो डिस्ट्रिक्ट्स माइट गेट इक्विप्ड विद दीज कोल्ड स्टोरेजेस विच कैन बी मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग दीज इन द लॉन्ग रन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, फूड प्रोसेसिंग के लिए. सो दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑब्वियसली यार जितना स्केल पे अगर हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं उतनी स्केल की वैक्सीनेशन आगे थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, अब वो खाली पड़ जाएंगे है ना. तो एक तीर से दो निशाने हो सकते हैं. तो दिस इज द थिंग, लेट्स होप. एंड बाहर का पैसा आएगा, बाहर का पैसा आएगा अगर इन्वेस्टमेंट की तरह से फॉर एस्टैब्लिशिंग कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, दैट विल बी ग्रेट, दैट विल बी ग्रेट. अगला है इंडिया रशिया नेवीज होल्ड एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन. बनाओ वैक्सीन के लिए, बाद में काम लो फार्मिंग के लिए, बिल्कुल करेक्ट भाई. एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग, इसका नाम पासेक्स है ना, पासेक्स, पासेक्स. ठीक है ना. सो द नेवीज ऑफ इंडिया एंड रशिया बिगेन अ टू डे पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स इन द इंडियन ओशन रीजन. It is aimed at enhancing the interoperability, imbibing best practices, and would involve advanced surface and anti-submarine warfare exercises, weapon firing, helicopter operations, and so on and so forth. ठीक है ना. सो ये इंडिया और रशिया का काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये है. दिस इज आफ्टर वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन अनदर एक्सरसाइज. कौन सी एक्सरसाइज में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था? वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज विद चाइना, राइट. चाइना के साथ है ना, कावकाज तो यार कजाकिस्तान के साथ है, नहीं दूसरा नाम था उसका, रशिया, रशिया इंडिया चाइना ऐसा कुछ था मुझे यहां तक याद है. रिक कई रशिया इंडिया चाइना कोई दे वांटेड टू क्रिएट, हाँ वही कावकाज ही में आई थिंक वी बैकड आउट, कोई एक तो बैकआउट किए थे अभी रिसेंटली जिसमें चाइना की वजह से हम बैकआउट कर रहे थे. रिक में ही था. इंडिया देयर फॉर बैकड आउट. सो उसके बाद अब ये है कि भाई हम लोग चाइना के साथ वो कर रहे हैं बायलैटरल. नहीं अब कावकाज में नहीं हो, कावकाज में तो हमने पार्टिसिपेट किया था ना एक बार. कावकाज इंडिया, इंडिया पुल्स आउट, हाँ, इंडिया पुल्स आउट ऑफ कावकाज, यस. हमने 2000 अगस्त में हटाया था ना, यस. इंडिया रिसेंटली विड्रॉन इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम
कावकाज, क्योंकि कावकाज वो था मल्टी नेशनल एक्सरसाइज, उसमें चाइना भी आ रहा था। यस कावकाज था, करेक्ट। तो कावकाज ही दशरथी। यस थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट, चाइना पोजेस ग्रेटेस्ट थ्रेट टू यूएस सेज इंटेलिजेंस चीफ। सो बीजिंग वॉन्ट्स टू डोमिनेट द यूएस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इंटेलिजेंस तो क्या है भाई, मैं ही बोल देता इसमें, तुम्हें इंटेलिजेंस की क्या जरूरत थी। मतलब इसमें मतलब तुमने क्या ऐसा क्या, मतलब क्या कहाँ से क्या किया आपने ऐसे इंटेलिजेंस इसमें। द चाइना पोजेज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अमेरिका एंड द रेस्ट ऑफ द फ्री वर्ल्ड सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हाँ आप नेशनल इंटेल, या मैं भी बन सकता हूँ नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर फिर, तो इतना ही बताना था अगर तो। जोक 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 की तरह से। या सो द थिंग इज दैट इंटेलिजेंस इज वेरी क्लियर दैट बीजिंग इंटेंड्स टू डोमिनेट द यूएस एंड रेस्ट ऑफ द प्लानट इन मल्टीपल डायरेक्शंस, इकोनॉमिकली, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकली। इनफैक्ट यस, फोटो देखी आप लोगों ने, चाइना का फ्लैग लहराया मून पर, है ना, झंडा गाड़ दिया मून के ऊपर, राइट। सो दैट वाज, दैट्स अ, दैट्स एन अचीवमेंट, इट्स अ, यू नो, बिग अचीवमेंट नन द लेस। लहराएगा तो कैसे यार, वो ऐसे स्टिल है, खड़ा हुआ है यहाँ पे ऐसे। वो ऐसे इट्स जस्ट स्टैंडिंग लाइक दैट, इट डज नॉट लहराया। हाँ, रॉक सैंपल्स भी लेकर के आए चांगी 5 के थ्रू। यस यस अच्छा गाइस, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आप लोग के लिए अनाउंसमेंट है। कितने लोग को पता है 7 तारीख को 9 बजे क्या होने वाला है? 7 दिसंबर 9 PM क्या होने वाला है गाइस, बताइए। पता है आप लोग को 7 दिसंबर 9 PM? कितने लोगों को नहीं पता है? हाँ, सो 9 PM वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास जिसमें अक्टूबर मंथ का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे। एंड दिस आई एम ट्राइंग टू मेक अ ट्रेंड कि पूरा पूरा मंथ का भी हम लोग अब करंट अफेयर्स करना शुरू कर दें। विल स्टार्ट विद अक्टूबर, मे बी विल गो बैक अक्टूबर, सेप्टेम्बर, ऑगस्ट, यू नो दैट वेज, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट कोर्स। सो उसके अंदर थ्री, एक क्लास में नहीं होगा, 4 क्लासेज लगेंगी, 4 क्लासेज 1 मंथ, 4 क्लासेज ऑफ 1 आवर ईच। सो 7th, 8th, 9th, 10th का आई थिंक आई विल स्किप क्योंकि उस दिन अनअकैडमी की बर्थडे है। सो 7th, 8th, 9th, 11th, 7th, 8th, 9th, 11th को हम लोग, या 11th या देख लूंगा, जो भी 4th क्लास जब भी करनी होगी, राइट। सो वी गोइंग टू हैव दैट एट 9 PM इटसेल्फ, 9 बजे शाम को, एग्जैक्टली, इट्स गोइंग टू बी एट 9 PM, ठीक है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन भी लगा दूंगा इफ यू वॉन्ट, आई कैन ब्रिंग अबाउट MCQs ऑल्सो, बट इट्स गोइंग टू बी अ, मतलब फुल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ, जो करंट अफेयर्स मैगजीन है उसका वो मान लो, इट्स जस्ट, इट्स अ रेप्लीकेशन ऑफ 2-3 करंट अफेयर्स मैगजीन के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सब पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना। ओके हाँ, कैंडिडेट रखते हैं एक दिन, आई विल कीप अ कैंडिडेट वन डे, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, वेस्ट एशियन नेशंस, यूएस सिग्नल्स प्रोग्रेस टू रिजॉल्व कतार क्राइसिस। सो आफ्टर फ्रूटफुल टॉक्स ऑल आर कीन फॉर अ फाइनल डील, कुवैत मिनिस्टर ने बोला है। तो भाई कतार और सऊदी अरेबिया में काफ़ी समय से लड़ाई चल रही है, आपको पता होगा, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। कतार केम आउट ऑफ द GCC ऑल्सो, कतार केम आउट ऑफ द ओपेक ऑल्सो, राइट। सो ये एक आपका, यू नो, एक दूसरे से काफ़ी इनके झगड़े चल रहे हैं आपस में। सो US के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो चाहते हैं कि भाई एक रेजोल्यूशन ब्रोकर हो सके, बट यही है कि आउट ऑफ प्रिडिक्शन बिजनेस इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, राइट, ही वॉज अ लिटिल कॉशियस अबाउट इट, क्योंकि हो सकता है ब्रेक थ्रू अभी ना हो पाए, इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू शायद ना हो पाए, ठीक है ना। सी द मेन क्रक्स ऑफ द मैटर ऑल्सो इज दैट ये जो आपकी कतार वगैरह, इट्स अ स्मॉल कंट्री बट बहुत रिच है। आई एम श्योर यू गाइज नो दैट कतार इज स्मॉल कंट्री बट इट्स क्वाइट रिच। सो इट डज नॉट फील टू मच, यू नो, कि भाई सऊदी अरेबिया अपने आपको जब असर्ट करता है तो उसको लगता है ये क्यों असर्ट कर रहा है। सो दैट इज द कोर वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दीज कंट्रीज हैव स्टार्टेड टू हैव, ईगो प्रॉब्लम भी आए इनके बीच में, ठीक है ना। ठीक है, और आप देख सकते हो क्या है, देखो ये सऊदी अरेबिया लेड इट्स अलाइज
the UAE, the Bahrain and the Egypt to cut ties with Qatar in June 2017, accusing it of backing radical Islamist movements and Iran. जो कतार मना करता है. सो बेसिकली दिस इज वाई दे आर हैविंग ऑल्सो द कॉन्फ्लिक्ट. एक तो वो ईगो प्रॉब्लम है, देन ईगो प्रॉब्लम को इस टाइप से मैनिफेस्ट किया गया कि भाई बोल दिया कि आप तो रेडिकल इस्लामिस्ट को और ईरान को सपोर्ट करते हो, एंड देयरफॉर सब्सिक्वेंटली फोर्स्ड आउट कतारी यू नो रिजाइडिंग इन देयर कंट्रीज क्लोज देयर एयर स्पेस टू कतारी एयरक्राफ्ट एंड सील देयर बॉर्डर्स, जिससे कतार के लोगों ने कम्प्लीटली आउटसोलेट कर दिया है. एंड देयरफॉर जब आप इतना स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स ले चुके होंगे, तो देन यू नो कमिंग बैक टू नॉर्मलसी इज अ बिग चैलेंज, इजंट इट ऑर नॉट. इतना जब आपने बड़े स्टेप्स ले लिए हैं, बड़े कदम ले लिए हैं, तो वापस नॉर्मल होना बहुत मुश्किल होता है. सो वही बात हो रही है, यूएस इज ट्राइंग बट अभी होता लग नहीं रहा है. भाई चाइना क्या नहीं कर रहा है भाई, मून पहुंच गया, आर्टिफिशियल सन बना लिया है. कोरोना भी तो बनाया ही था इनने. सो कहेंगे दिस इज द प्रूफ, आपने कोरोना बनाया है. आप जब सन बना सकते हो, मून बना सकते हो, कोरोना क्या चीज है, ठीक है ना. ऐसे हमें आपकी क्षमता पे भरोसा है. सो हम यही बोल सकते हैं, हमें आपकी क्षमता पे भरोसा है. चलिए. सो न्यूक्लियर रिएक्टर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड क्लीन एनर्जी. इट्स अ चाइना सक्सेसफुली पावर्ड अप देयर आर्टिफिशियल सन. आर्टिफिशियल सन किस पे चलता है? न्यूक्लियर रिएक्टर पे, ठीक है ना. एंड राइट, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एडवांसमेंट इन दी कंट्रीज न्यूक्लियर पावर रिसर्च, ठीक है ना. सो आपका ये नाम देखिए, HL2M टोकामक रिएक्टर, ये याद रखिएगा, टोकामक रिएक्टर नेम इज इंपॉर्टेंट, यू नो. ओके, टोकामक है. एंड व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर डूइंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. बिल्कुल यार मोहम्मद सोहेल, वी हैव रीच टू दैट सिचुएशन दैट हम आपके फ्यूजन भी कर पा रहे हैं. व्हाट इज फ्यूजन? सही बात है श्रुति, सही बोल रहे हो आप. फ्यूजन होता है जब हाइड्रोजन हीलियम फ्यूज करते हैं एंड दे मेक बिगर बिगर योर एलिमेंट्स, दे ज्वाइन एंड दे मेक बिगर एलिमेंट्स, ठीक है. एंड दैट इज वेरी वेरी एक्सोथर्मिक. ठीक है. सो HL2M टोकामक रिएक्टर इज चाइनाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस. इट यूजेज अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू फ्यूज हॉट प्लाज्मा एंड कैन रीच टेम्परेचर्स ऑफ ओवर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस. 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, माई गॉड, 10 टाइम्स हॉटर देन द कोर ऑफ द सन. समझ जाओ आप, 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पा रहा है भाई ये, क्या तो है ये. और ये सिचुआन प्रोविंस में है, दिस इज इन सिचुआन प्रोविंस. चलिए अगला है. नहीं यार नवी उसको कंटेल, मतलब अरे देखो अब न्यूक्लियर तो कभी भी अगर ऐसा हो गया, फुकुशिमा या चर्नोबिल टाइप का कुछ हो गया तब तो खराब हो सकता है, बट इफ यू कंटेन इट, इट्स फाइन. अगर आप उसको कंटेन कर सकते हो, यू कैन कंटेन द रेडिएशन, देन तो कोई दिक्कत नहीं है. अगला है, ढाका शिप्स रोहिंग्यास टू लो लाइंग आइलैंड. सो बांग्लादेश ट्रांसपोर्टेड मोर देन 1600 रोहिंग्या रिफ्यूजीज टू अ लो लाइंग आइलैंड ऑन फ्राइडे, जिसमें वो कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है कि भाई वो रिलोकेट करें 1,00,000 लोगों को. ऑलमोस्ट अ मिलियन रिफ्यूजीज ऑफ रोहिंग्यास राइट live in the southeast Bangladesh. Any return to Myanmar appears unlikely now and Dhaka wants to move these to the Bashanchar. नहीं वो Bashanchar है, कल ही बात की थी हम लोग ने, Bashanchar Island. Next, RBI tightens. नहीं ये वाला तो ये वाला था, वो इतना अच्छा नहीं था. Ministry seeks proposal for technical textile body. What is technical textile, guys? ये क्या होता है? What is technical textile? क्या है technical textile?
नहीं, सोहेल, बेसिकली पीपीई किट्स, मास्क, ये एग्जांपल्स हैं। टेक्निक टेक्सटाइल, एनी टेक्सटाइल विच इज नॉट फॉर एस्थेटिक वैल्यू। द डेफिनेशन इज लाइक इट्स नॉट फॉर एस्थेटिक वैल्यू, मतलब सुंदर दिखने के लिए अगर आप कपड़े पहनते हो तो वो टेक्निकल टेक्सटाइल में नहीं आएगा, इट्स फॉर टेक्निकल यूज। ठीक है ना? अब यार कोई बोल सकता, सर मैं तो अपने कपड़े में भी सुंदर नहीं लगता हूँ, तो फिर उसके में फिर फिर वो भाई उसको हम टेक्निकल टेक्सटाइल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? सर एस्थेटिक वैल्यू तो तब भी नहीं आती है सर, ये क्या बात हो गई सर? सो द थिंग इज, नहीं, व्हेन वी से दैट इट इज नॉट एस्थेटिक वैल्यू, बेसिकली इट इज फॉर सम अदर पर्पज देन द यू नो द नॉर्मल क्लोथ वेयरिंग। एग्जाम्पल दे सकते हो आप? कैन यू गिव एग्जाम्पल्स? मिलिट्री, मिलिट्री का जो इक्विपमेंट होता है, राइट, हाँ, वेस्ट हो गए, मिलिट्री वेस्ट हो गए, डॉक्टर्स के पीपीज हो गए, आपके स्कूल यूनिफॉर्म टेक्निकल टेक्सटाइल में आई डोंट थिंक आता है, स्कूल यूनिफॉर्म इज नॉट पार्ट ऑफ दैट। बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ गए, ठीक है ना? ओके, देन थिंग्स लाइक वो, जैसे यार ये है, दिस इज, इफ दिस इज टेक्सटाइल, दिस इज टेक्निकल टेक्सटाइल, नहीं होते आपके जो ये, समझ गए? ये अकेडमी ने गिफ्ट किया था, राइट? सो इफ दिस इज मेड अप ऑफ सम टेक्सटाइल मटीरियल, सो इट विल बी टेक्निकल टेक्सटाइल। वो जो होता है माउस पैड, समझे ना, माउस पैड वगैरह, सो ये सब टाइप की चीजें होती हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना? हाँ, सो दिस इज वॉट इट इज, एंड देयरफॉर अ डेडिकेटेड काउंसिल विल बेनिफिट द एक्सपोर्ट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू से। सो द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज इन्वाइटेड प्रपोजल्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल। पुलिस की वर्दी हो गई, एग्जैक्टली, ठीक है ना? सो एक्सपोर्टर एसोसिएशन एंड ट्रेड बॉडीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट कैन सबमिट प्रपोजल, द मिनिस्ट्री सेड। एंड अभी देखते हैं कि आपका प्रपोजल आ रहे हैं, लेट्स सी अ बॉडी इज गोइंग टू बी देयर, बिकॉज जरूरत है। हम लोगों ने जो एकदम से एडवांसमेंट किया है पीपीई में, मास्क वगैरह में, विच आर टेक्निकल टेक्सटाइल, वी कैन, वी शुड यू नो राइड विद द वेव, हमको उस वेव के साथ राइड करना चाहिए, अभी स्कोप है काफी, राइट? टेक्निकल टेक्सटाइल बनाएंगे, सोचो ना, मतलब इतना ज्यादा हमारे हमारे खून में टेक्नोलॉजी घुस गई है कि भाई टेक्सटाइल भी वही चलती है जो टेक्निकल हो। नॉर्मल टेक्सटाइल में वो वियतनाम वियतनाम ले जाएंगे, टेक्निकल टेक्सटाइल में हमको आगे बढ़ना है। चलिए, अरे गाइस, दैट्स इट, दैट फिनिश द आर्टिकल्स आज के, एकदम खत्म हो गए। सो एकदम टाइम पे, ऑन टाइम वी हैव फिनिश द आर्टिकल्स, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन, मजा आया आप लोगों को। कल सुबह 11 बजे ऑल ऑफ यू शुड गिव द टेस्ट, चाहे पढ़ाई नहीं भी की हो, टेस्ट तो दो यार मिल करके, ठीक है ना? ओके, सो गिव दी टेस्ट, एंड बताइए कोई जीतता है तो, इफ समवन कम्स इन द टॉप 100 रैंक, प्लीज कमेंट इन दी ग्रुप, ग्रुप में बताइएगा कि सर मेरी ये रैंक आई, राइट? मजा आएगा, एकदम फील आएगी।